नमस्ते, आज हम थाई फैट को कम करने के लिए कुछ आसन करेंगे, जिसमें पहला आसन है उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे साथ में, शरीर बिल्कुल सीधा रखेंगे। हम इस तरीके से बैठेंगे जैसे चेयर पे बैठते हैं, तो हम पीछे की तरफ बैठेंगे, सांस छोड़ते हुए। तरीके से बैठेंगे, पीछे की तरफ रखेंगे, बैक बिल्कुल सीधी रखेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और पैरों को सीधा। एक बार और देखिए, इस तरीके से करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, बिल्कुल चेयर पे बैठते ऐसे बैठेंगे, बैक बिल्कुल सीधे रखेंगे, सांस भरेंगे ऊपर की तरफ, हाथ जोड़ेंगे, 5 सेकंड के लिए रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आ जाएंगे। ये था हमारा उत्कट आसन। इस आसन को 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। हमारा दूसरा आसन है वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन के लिए अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट खोल लेंगे। राइट लेग को सामने की साइड में ले जाएंगे, पंजे हमारे साइड में चले जाएंगे और लेफ्ट लेग बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा, पंजे हमारे सामने की तरफ रहेंगे, राइट लेग के पंजा हमारा साइड में आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से नीचे लेना है कि हमारा एड़ी और घुटना दोनों एक लाइन में आ जाए बिल्कुल, और पैर लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा हो। इसको इस तरीके से बना लेंगे, इसमें सारा जो प्रेशर है वो थाई पे आएगा और हाथों को साइड में दोनों साइड कर देंगे साइड में, और दोनों को एक लाइन में करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। इस आसन को भी हमें 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। आ जाएंगे वापस, अब लेफ्ट की तरफ करेंगे, राइट लेग सामने की तरफ होगा, लेफ्ट लेग को हम साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग के पंजा सामने की तरफ है साइड में और राइट लेग सामने की तरफ। अब उस तरीके से ही नीचे डाउन होंगे कि हमारा घुटना और एड़ी एक ही लाइन में हो और यहाँ पे एल जैसा बन जाए। इससे सारा इफेक्ट हमारी थाई पे आता है और ये बहुत जल्दी थाई फैट को कम करने में बहुत अच्छा आसन है। तो दोनों हाथ साइड में कर देंगे और दोनों को एक सीध में लेके आएंगे एक लाइन में और सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ पे सांस लेंगे, धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं। इस आसन को 5 से 10 सेकंड करना है और जैसे जैसे आपको लगे कि हम टाइम बढ़ा सकते हैं तो इसका आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं। आ जाएंगे वापस, ये था हमारा वीरभद्र आसन। तीसरा आसन है हमारा कली आसन। पैरों को 3 फीट खोल लेंगे, थंब और फिंगर को इस तरीके से बंद कर लेंगे, बाकी 3 फिंगर को साथ में लगा लेंगे और हाथों को इस तरीके से रखेंगे और सामने देखेंगे। ये है हमारा कली आसन। इस आसन को भी हमें 5 सेकंड से 10 सेकंड होल्ड करना है। आ जाएंगे वापस, फिर से करेंगे एक बार, पैरों को वही बाहर की तरफ निकाल लेंगे, पंजों को पीछे की तरफ बैठेंगे इस तरीके से कि दोनों पैर हमारे खुले होने चाहिए, हाथों को इस तरीके से रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे।
5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, वापस आ गए। ये था हमारा कलियासन। अब एक और एक्सरसाइज करेंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, जितना आपसे खुलता है, जितना आपसे खुलता है उतना खोलेंगे। अपने अंगूठों को उंगली से पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पकड़ा जाता तो आप अपनी शिन को पकड़ेंगे, नी को पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के आप नीचे की तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है, या आप इतना झुक सकते हो, इतना झुक सकते हो, या पूरा झुक जाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर जितना झुका जाता है आप उतना झुके और यहाँ पर होल्ड करें, अपना प्रेशर थाइस पे आने दें, थाइस पे पूरा प्रेशर आपका थाइस पे होना चाहिए, तो थाइस पे प्रेशर आने दें अपने। और इस आसन को होल्ड करेंगे हम 5 से वही 10 सेकेंड। तो आप देखिए आपसे कितना झुका जाता है, जितना झुका जाता है उतना झुकिए, अगर अंगूठे पकड़ लेते हो तो आप अंगूठे पकड़ के नीचे की तरफ झुकिए। आ जाएंगे वापस, एक बारी फिर करेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आपसे जितना झुका जाता है आप उतना झुकेंगे, चाहे आप अंगूठे पकड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पकड़ा जाता है कोई बात नहीं, आप अपने शिन को पकड़ के इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाइए। देखिए आपसे कितना झुका जाता है, इतना झुकते हो, इतना झुकते हो, या इतना झुकते हो, जैसे आपसे झुका जाए वही होल्ड कीजिए और अपना प्रेशर थाइस पे आने दीजिए। ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना कि आपको प्रॉब्लम हो, बस इतना लेना है कि आप उसको मतलब बर्दाश्त कर सको, इतना प्रेशर होना चाहिए। और अंगूठे पकड़ सकते हैं, जो वो अपने हाथों से अंगूठे पकड़ेंगे और सर को जमीन पे टच करने की कोशिश करनी है, और जिनसे नहीं होता उनको बार बार करना, और ये कोशिश करके करती रहना है। अगर बार रोज रोज करोगे तो आपसे एक दिन तो सर टच होना ही है जमीन पे, और जिनसे हो जाता है वो इसको टच करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। पांच सेकंड से शुरू करना है, पहले 5 सेकंड टच करेंगे सर, फिर 10 सेकंड, जैसे जैसे आपसे होता जाएगा उसी तरीके से आप टाइम बढ़ाते जाना, उससे आपकी थाइस पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, आपकी थाइस अपने आप ही आपको लगेगा कि कम होने लगी है। आप इन थाइस में 1 महीने के अंदर अंदर आप फर्क देखेंगे कि आपकी थाइस में फर्क आने लगा है। तो इस आसन, इन आसनों को आपको सुबह और शाम 2 टाइम करना है, और दोनों दोनों टाइम खाली पेट करना है, जैसे सुबह करना है खाली पेट करना है, और शाम को 4 बजे के आसपास आपको करना है, क्योंकि दिन में लंच हो जाएगा तो शाम की चाय से पहले करना है, तो ये शाम के टाइम करना है, जब आपका 3-4 घंटे का गैप हो जाता है खाने में, तो तब ये आसन करना है। आपको बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपकी थाइस पे, और आपकी थाइस कम होती जाएंगी, 1 महीने में आपको इसका पता चल जाएगा। आप अपनी, जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप अपनी थाइस का मेजरमेंट करेंगे, मेजर करने के बाद फिर आपको कुछ कुछ दिन में उसको मेजर करके बाद देखना है कि कितना हुआ, आपको 1 महीने में फर्क पता चल जाएगा, लेकिन ये आसन करने हैं और 2 टाइम करने हैं। तो ये थे हमारे थाई फैट को कम करने के लिए आसन। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्ते।